तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर काफ़ी सारी बड़ी खबरें बाहर निकल कर आ रही है, मई की टीम के प्रैक्टिस कैंप को लेकर। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2024 का सीजन, तो हमारी वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से वीडियो हमारे वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले बड़े अपडेट की। ये बड़ा अपडेट रोमारियो शेफर्ड को लेकर आया है, जहां दोस्तों रोमारियो शेफर्ड होटल पहुंच चुके हैं मुंबई इंडियंस की टीम के, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम रुकी हुई है आईपीएल 2024 के सीजन के लिए। तो रोमारियो शेफर्ड वहां पर पहुंच चुके हैं और अब दोस्तों रोमारियो शेफर्ड भी हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले बड़े अपडेट की। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप काफी सारे अपडेट मिस कर रहे हो मुंबई इंडियंस की टीम से रिलेटेड और आईपीएल 2024 के सीजन से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों जैसे कोई भी अपडेट बाहर निकल कर आ रहा है मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर और मुंबई इंडियंस की टीम के प्रैक्टिस कैंप को लेकर, और जो प्रैक्टिस कैंप में जो खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोहित शर्मा, हार्दिक पांडे, ईशान किशन जैसे बड़े खिलाड़ी, वो जो बैटिंग प्रैक्टिस रह रही है, वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में बता रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। पहले बात कर लेते अगले अपडेट की। ये बड़ा अपडेट ईशान किशन को लेकर आया है, जहाँ दोस्तों ईशान किशन ने ज्वाइन कर लिया मुंबई इंडियंस की टीम का प्रैक्टिस कैंप और ईशान किशन हमें दोस्तों प्रैक्टिस करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम के अंदर नजर आ रहे हैं। और दोस्तों जहाँ तक लसित मलिंगा की बात की जाए, लसित मलिंगा की ओर से भी काफ़ी बड़ा अपडेट बाहर निकल कर आया है। जहाँ दोस्तों इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो लसित मलिंगा, उन्होंने काफ़ी तारीफ की है दोस्तों आकाश मधवाल की, और अब आकाश मधवाल के बाद में किराल कोटजे का भी नाम निकल कर आया है। जहाँ दोस्तों किराल कोटजे और आकाश मधवाल ये दोनों खिलाड़ी हमें फ्यूचर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए अपनी टीम की ओर से दिखने वाले, यानी कि अपने अपने दोस्तों जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आकाश मधवाल टीम इंडिया के लिए हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे और किराल कोटजे आगे जाके हमें साउथ अफ्रीका के बेहतरीन गेंदबाज बनते हुए दिखने वाले हैं, ऐसा लसित मलिंगा ने प्रेडिक्शन की है। और मुंबई इंडियंस की टीम के लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित होने वाले हैं इंडियन विकेट्स के ऊपर, ऐसा लसित मलिंगा का मानना है। दोनों ही गेंदबाज मुंबई इंडियंस की टीम को काफ़ी ज़्यादा मैचेस जिताते हुए दिखने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा विकेट्स हमें लेते हुए इस सीजन के अंदर दिखने वाले हैं, ऐसा लसित मलिंगा का मानना है। वैसे आप लोगों की क्या राय है आकाश मधवाल और किराल कोटजे को लेकर, तो आप अपने रेकमेंड जरूर कर दीजिए कि किराल कोटजे कितने विकेट्स लेने वाले हैं और जो आकाश मधवाल है कितने विकेट्स लेने वाले हैं, तो आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, दिलशान मधु, शंकर नवन, तुषार अभिया में जल्द से जल्द मुंबई इंडियंस की टीम का प्रैक्टिस कैंप ज्वाइन करते हुए दिखने वाले। जैसे वो खिलाड़ी ज्वाइन करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट देखने को मिल जाएंगी। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम चैनल से फटाफट। दोस्तों बस ये वीडियो यहीं तक थी, और आप लोगों की क्या राय है मुंबई इंडियंस की टीम के बारे में, तो आप अपने रेकमेंड जरूर कर देना। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो का लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।